हमारा जो निशित का जो फॉर्म है, लास्ट टाइम में पासीघाट में ये जो महबूब सब डिवीज़न में 35 करोड़ का भारत सरकार से निशित ने फॉर्म दिया गया है, जिसमें से 2.78 करोड़ वो स्कूल के लिए और ऑडिटोरियम और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वहाँ से निकल के बनाया गया है। तो इसलिए एज ए WRD डिपार्टमेंट का मिनिस्टर इंचार्ज के नाते हमें बुलाया और हमारा डिपार्टमेंट ने उसको एजुकेटिंग एजेंसी WRD डिपार्टमेंट है और सीएम रिवर का भी हमने लास्ट बार देखे होंगे कि पूरा बांध जो जहाँ जहाँ इरोजन हुआ था उसी फंड से कुछ फंड एजुकेशन सेक्टर में उसको इन्वेस्ट किया। आप लोगों ने सर कंट्रीब्यूट किया एजुकेशन डिपार्टमेंट को? गवर्नमेंट को गाइडलाइंस था कि कुछ फंड एजुकेशन डिपार्टमेंट को और कुछ उसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। थैंक यू सर। WRD डिपार्टमेंट हमारे यहाँ उपस्थित हमारा चीफ इंजीनियर या हमारा बोर्ड साहब या है साथ में, हमारा पूरे WRD के टीम को भी, पूरा हमारा WRD डिपार्टमेंट को मैं उसको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारा जो सरकार का जो फॉर्म है, गवर्नमेंट का जो फॉर्म है, उसको निशित का जो फॉर्म को बहुत बढ़िया तरीका से आप लोगों ने यूज़ किया और हमको यहाँ हमारा शिक्षा मंत्री हमारा बड़ा भाई हम सभी पूरे ऑनरेबल MLAs बड़ा भाई लंबो टाइम में मेरा भाई काली में हम लोगों को यहाँ इनोवेट करने का आप लोगों ने बढ़िया तरीका से किया। उसके लिए मैं हमारा डिपार्टमेंट की जो एजुकेटिव इंजीनियर उनके पूरे टीम और CEO को धन्यवाद देना चाहूँगा। लास्ट टाइम यहाँ में फ्लड हुआ और हमारा डिपार्टमेंट WRD डिपार्टमेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी ने काफी ये निश्चित 35 करोड़ यहाँ में जो बांधने के लिए आपका CM डिपार्टमेंट ये निश्चित से फंडिंग किया गया अंडर लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। वो फॉर्म में मैंने भी लास्ट टाइम यहाँ में विजिट किया और उतना ही नहीं आप लोग देखे होंगे कि जल शक्ति का जितना जो ऑफिसर टीम है पूरा टीम को लेकर स्थान साइड में कास्ट के पासीघाट में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने यहाँ विजिट करवाया और यहाँ का CM डिपार्टमेंट में जिस हिसाब से जो इरोजन हो रहा है उसको लोगों को बचाने के लिए लोगों का खेती को गांव को उसको बचाने के लिए सरकार का भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर क्या क्या वो आप लोग पता होगा कि लास्ट टाइम मैंने भी खुद आया ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने भी आया यहाँ हमारा पूरा डिपार्टमेंट का टीम विजिट किया यहाँ। उससे पहले भी वो फॉर्म 35 करोड़ जिसमें से 35 करोड़ निश्चित से फॉर्म दिया गया जिसमें से 2.78 समथिंग पैसा से ये ऑडिटोरियम उस इंफ्रास्ट्रक्चर या स्कूल के लिए बनाया और ये CM डिमार्क को और बांधने के लिए इरोजन को रोकने के लिए फिर यहां से हमारा डिपार्टमेंट से ऑलरेडी आर टेक्निकल टीम साइड का हमारा चीफ इंजीनियर यहाँ उपस्थित है कि वो पूरे टीम जो है ऑफिशियल जो काम करके टेक्निकल जो आपका जो एक क्या बोलते हैं बहुत सा टेक्निकल बेटिंग करके SLC स्टेट लेवल में मीटिंग करके ये अभी भारत सरकार में भेजने वाला है।
वो भी आप यकीन कीजिए कि आने वाला में जरूर जल शक्ति मंत्रालय से जरूर इसका भी फॉर्म, ये अपना प्रदेश के लिए फॉर्म जरूर उसको बांधने के लिए बचाने के लिए फॉर्म आने वाला। हमारा माननीय अपना जो मुख्यमंत्री बेमा कांडू जी के नेतृत्व में अपना एक लक्ष्य है, विजन है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, एंड ये सरकार इफेक्टिव एंड अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी लोगों के लिए, ये प्रदेश के लिए, ये इस दिशा दशा को, इस विचारधारा को लेके ये सरकार हम सब काम करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, ब्रह्मपुत्र बोर्ड एंड सेंट्रल वाटर कमीशन का एक टीम विजिट करने गया, तो उस समय में हम लोग तो टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है और रिपोर्ट भी तो नहीं देखा, और सुनने में आया कि 20% को अगर रेस्टोर नहीं करेगा तो इस तरफ पानी 80% पानी इस तरफ आ गया, या तो उसको रेस्टोर करना पड़ेगा या उस तरह तो जो रह गया उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा, ऐसा शायद टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी ने तीन डिपार्टमेंट का आपके ऐसा साझा हो गया, तो उसको बनाने के लिए भी पैसा चाहिए, डिसमेंटल करने के लिए भी पैसा चाहिए, इसको जेन्युइनली आप पूरा कंसिडर करके, अभी मानसून शुरू होने वाला है, नहीं तो इतना डिवास्टेशन इतना डिग्री तो हो जाएगा जिसका सीमा नहीं हो। ऑनरेबल मिनिस्टर धन्यवाद जी, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कैंप बोंडुली डेट 25/3/2021 सब्जेक्ट मेमोरेंडम। सर आर रेफरेंस अबाउट द अंडरसाइन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ मेमो वन वेलकमिंग यू टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस, वुड लाइक टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस ऑपर्चून मोमेंट टू हाईलाइट सम ऑफ द ग्रीवेंसेस ऑफ द एरिया that concerns your office. Yes, sir. Apart from Siang River that is constantly threatening and damaging the lives and properties of Meru, there are also many small rivers that is constantly eroding the precious and fertile land of Meru and thus threatening the existence of many villages and the headquarter town of Rondo. Terong Korong, Sutanala, Kana Korong, Taratanak River and Siku River are some of such rivers that is threatening the Rambutan, Lopok, Pin, Borboli and other villages of Wombubango and Merubango area of Merbo subdivision. Therefore, immediate anti-erosion measures are to be taken over these rivers to protect the subdivision headquarters of headquarter town and many other villages of Merbo. Number two, the lawn playground at Romblum is not at all conducive and fit for any sports event. And celebration of national days like Republic Day, Independence Day, etc. This is posing a big problem and embarrassment for the administration for conduct of such events, and also a great amount of discomfort for the public to take part and attend such programs. In this regard, a mini outdoor stadium at Romblum would be a big relief for the administration and public of Meru as well. And also as a part of Fit India movement, a badminton court at Romblum town would be a gift that shall never be forgotten by every Meruvian. Number three, illegal felling of trees and logs are quite rampant in the area. These logs are transported to the neighboring state of Assam through waterways by timber smugglers. In order to keep a strict and a vigilant watch over these illegal activities, the following demands would be instrumental in curbing such illegal activities. Number 8, construction of a ranch office at Namsing village, the circle headquarters of Mongubango, providing vehicles and fatter boats, sea arms and ammunition to the forest personnel. Number 4, Meru subdivision is also a home for many species of wildlife, like wild buffaloes, deer, wild elephants, wild goats, etc., and various species of migratory birds. Despite tremendous efforts put in by the Wildlife Department,
poachers are still able to harm down this precious one element. Therefore, in order to put a stop to such illegal hunting of these animals and to overcome the obstacles in protecting these rights, and also, sir, you being an ardent lover of wild animals and birds and have launched various campaigns to protect these dear lives, it should be highly justified to fulfill the undermanned demands placed by the department. Number eight, construction of Clark Escape Tower, 5 floors. Arms and ammunition rifle, 5 floors. Providing of fighter boats, hosting of regular staff in a sanctuary. Therefore, in the light of the above submitted points, we are quite optimistic that the shortcomings and problems faced by the people of Mebo will be viewed and considered seriously by you, and necessary actions will be taken up immediately in this regard. Thanking you in anticipation, your respectfully, Olen Romain, Deputy CSTR.